क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर ऐसा क्या था मारा शांतनु में, जिसे गंगा जैसे स्वर्गलोक में आई पत्नी मिली और पुत्र के रूप में वसु मिले। दरअसल बात यह है कि मारा शांतनु पिछले जन्म में एक राजा अभिषेक थे और एक दिन स्वर्गलोक में बैठे थे। तभी उन्हें पहली बार में ही गंगा को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और कुछ ऐसा ही गंगा के साथ हुआ। चूंकि गंगा स्वर्गलोक से थी और शांतनु मृत्युलोक से थे, इसलिए दोनों का मिलना संभव ना था। भगवान की महिमा से उन्हें पृथ्वी लोक से आकर धरती लोक में राजा शांतनु के साथ प्यार का संबंध बनाने का वरदान मिला। गंगा को मिला यह वरदान वासुओं के मुक्ति का कारण भी बना। चूंकि वासुओं को कोई और साधारण महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, इसीलिए गंगा सबसे उपयुक्त थी और इसी तरीके से किसी का वरदान किसी की श्राप मुक्ति का कारण बना। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ हो रही कोई भी घटना संयोग मात्र नहीं बल्कि नियति का एक हिस्सा है। हम सब कठपुतलियां हैं।